हाय एवरीवन, तो आज की मेरी स्पेशल रेसिपी है पालक पनीर। उसके लिए सबसे पहले हम पालक को बॉईल करेंगे और उसके बाद हम उसकी प्यूरी बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पे पैन लिया है और इसमें मैं 4 टेबलस्पून बेसन डालूंगी और इसको हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट करूंगी। अब देखिए ये रोस्ट हो गया है। ये बेसन हम यूज करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। इससे हमारा पालक पनीर बहुत ही स्मूथ होगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पैन में ऑयल लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी अनियन, जिंजर, गार्लिक पेस्ट और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक भूनेंगे। अब देखिए अनियन अच्छे से भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टोमेटो प्यूरी और इस मसाले को मैं 5 मिनट्स के लिए भूनूंगी। अब देखिए मसाला रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी भुना हुआ बेसन। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और अब हम इसे कुक करेंगे फॉर अनदर 2-3 मिनट। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप एक सॉफ्ट स्पैटुला यूज करें पनीर को कुक करने के लिए। और अब मैं इसमें पालक प्यूरी ऐड कर दूंगी और उसको बॉईल होने तक कुक करूंगी। अब देखिए ये बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक और गरम मसाला। वैसे तो हमारा पालक पनीर रेडी हो गया है लेकिन इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करना बाकी है और वो है खूब सारा बटर।